सो ब्यूटी यार हम्पी, सीरियसली हम्पी यू किलिंग मैन। बट जो स्कल्पचर जो खड़े किए हुए हैं आप देख सकते हो, ये सारे 15 सेंचुरी के पहले के स्कल्पचर्स हैं। और इनमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये जो भी बनाए गए हैं स्ट्रक्चर जितने बड़े बड़े हाइट के, ये सारे एक ही स्टोन में बनाए गए हुए हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गाइज यू कैन से हम्पी। तो अभी अपन ने फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा, अभी वी आर गोइंग विथ वन सेकेंड। सो गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी अपन एपिसोड 3 में है एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन आ फर्स्ट 2 एपिसोड। अभी अपन जो जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वीन पैलेस, लोटस महल एंड देन स्टोन ऑफ चैरिट। सो फर्स्ट वी विल विजिट आ क्वीन पैलेस, द फर्स्ट लोकेशन। विल ट्राई टू सी, अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाने मिल गया अपने को तो अपन ड्रोन फ्लाई कराएंगे, नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। बट बादामी में तो मेरे को उड़ाना है, जो कल जाऊँगा मैं बादामी के लिए, तो बादामी में जाके मैं उड़ाऊँगा ड्रोन। बट पता नहीं यार बादामी का भी सीन वहाँ पे साला, वहाँ पे एक्चुअली परमिशन है या नहीं है पता नहीं। सो दिस इज द क्वीन पैलेस, क्वींस बाथ पैलेस। मैं गाड़ी अभी पार्किंग पे लगाता हूँ, फिर आपको अंदर मिलता हूँ। शिव जन बाय बाय। तीन मैप होता, कर्नाटका मैप, हम्पी का मैप, और कर्नाटका मैप दिस साइड, तमिलनाडु हम्पी। थैंक यू सर, एक्चुअली आई रियली आई डोंट 100 नो नो सर, थैंक यू सो मच। ओके आई विल गो फर्स्ट, थैंक यू सो मच। सो क्वींस बात में अपन आते हैं पहला, इसके पहले अपन लोटस महल करके आते हैं। सो गाइज वी आर एट लोटस महल। बेसिकली लोटस महल में सिर्फ मतलब ऐसे जो फ्यू चीज़ें हैं, जैसे पूरा ये जो महल आपको दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ टाइप ऑफ लोटस। और उसके बैक साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, एक लोटस काइंड ऑफ पॉन्ड है शेप में, सो इसलिए इसको लोटस महल कहा जाता है, रानी महल बेसिकली। टूर ऑफ हम्पी इज इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग दिस प्लेस, दिस इज कॉल्ड लोटस महल। लोटस महल एक ऐसा महल है जो राजा कृष्णदेव राय ने कंस्ट्रक्ट किया था इन द प्रायर टू 15 सेंचुरी। ये महल बेसिकली राजाओं का एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, इसलिए इसको एक अलग तरह से कहा जाता है, द मीटिंग ऑफ चैम्बर। सो राजा कृष्णदेव राय की जो रानियाँ थी बेसिकली यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट में आती थी यहाँ पे। सो ऐसे इन पास्ट इट वॉज इन रिटन इन हिस्ट्री ऑल्सो दिस प्लेस। इफ़ यू कैन सी ये जो आर्किटेक्चर है, बेसिकली ये आर्किटेक्चर हम्पी में जितने भी अटैक्स हुए थे उसमें से ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर भी प्योरली बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, बिकॉज जैसे कि वैसा ये स्ट्रक्चर है। कमिंग इन हम्पी एंड यू हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस, देन योर टूर इज़ इनकम्प्लीट बॉस। एलिफेंटा स्टेबल की तरफ जाते हैं, एलिफेंटा स्टेबल यहाँ से कुछ ही दूरी पे है लोटस महल से। सो यू कैन सी दिस एलिफेंटा स्टेबल, बेसिकली आप अगर स्ट्रक्चर देख सकते हो, द स्ट्रक्चर इज दिस बिल्डिंग कम्प्लीटली एक जॉइंट सेक्टर है, यूनिटी है यहाँ पे, कहाँ पे भी ब्रेकअप नहीं है। और दिस स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 15th सेंचुरी, जब विजयनगर का एम्पायर जब स्टेबल हो रहा था तभी ये बांधा गया था स्ट्रक्चर इन द ईयर ऑफ 15th सेंचुरी। सो कहा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली स्ट्रक्चर दिस इज द शेल्टर फॉर द
जो रॉयल रॉयल एलिफेंट्स जो थे, रॉयल चैम्बर्स के जो एलिफेंट्स थे, इनके लिए बेसिकली ये स्ट्रक्चर था, ये शेल्टर है बेसिकली। तो यहाँ पे वो रेस्ट किया करते थे। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो अभी भी, मतलब जब मुगल अटैक हुआ था हम्पी पे, मतलब दैट वाज फॉर मेनी टाइम्स, बट देन हम ये स्ट्रक्चर को, मतलब ये और लोटस महल दोनों, ये दोनों स्ट्रक्चर को मतलब लाइक 10% ही कुछ इसका डैमेज हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे खड़े हैं ये। आप ये अब इनसाइड आओगे तो इनसाइड आने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका हाइट बहुत या होम हाइट है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर रॉयल एम्पायर के जो हाथीज थे, हाथी के लिए पूरा ये स्टे था। तो इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छी तरह, मतलब काफ़ी लेवल तक है, तो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है, विच इज़ गुड। We are heading towards Stone Chariot basically। अभी बहुत लेट हो गया एक्चुअली, धूप भी बहुत लग रहा है, अभी दोपहर के 3 बज गए और बहुत धूप लग रहा है। सो फटाफट यहाँ पे पहला पहुँचता हूँ और कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ, भूख लगा है बहुत। आप ये जो चैरिट देख रहे हो, चैरिट का निर्माण 16वीं शताब्दी में ही करवाया गया था, 16th सेंचुरी में बेसिकली। और ये स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया था राजा विजयनगर के जो साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने ही बनाया था। अगर आप ये एक बेसिकली अगर एक स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर इज प्योरली जो बिल्ट बाय दिस इज द ग्रेनाइट के जो स्लैब्स है उनके थ्रू बनाया गया हुआ है। स्कल्पचर है, बेसिकली स्कल्पचर बनाया गया था विष्णु जी का जो रथ है गरुड़ा, उन
के उनको यहाँ पे स्थापन किया गया था ये रथ के अंदर। बट देन यहाँ पे जो मूर्ति है, अब मूर्ति दिखेगी नहीं, मूर्ति यहाँ से गायब हो चुकी है, चोरी हो चुकी है आप बोल सकते हो। और ये मूर्ति, ये स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल एम्प्टी है और ये स्कल्पचर सिर्फ अभी टूरिस्ट प्लेस के ही हिसाब से ये देखा जाता है। और ये मंदिर भी आप देख सकते हो पूरा कम्प्लीटली एम्प्टी मंदिर है। और ये आपने जो सामने हाथी देख रहे हो, इनके आगे दो घोड़े भी हुआ करते थे, उनके आगे एक मंदिर की तरफ जाने के लिए एक सीढ़ी भी हुआ करती थी। बट देन जब स्ट्रक्चर पे अटैक्स हुए मेनी मल्टीपल टाइम्स, तभी ये सीढ़ी और ये हाथी को स्थगित, इनको भग्न किया गया था। तो ये बेसिकली ये टूटे हुए हैं, तो इसके लिए वो आपको दिखे नहीं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ घोड़ों के पैर दिखेंगे। और ये बेसिकली जो विट्ठल टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल में ही ये स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है। Also, this place was approved by UNESCO in the top heritage places of India. Now I'm leaving. Now I'm leaving this place. अभी डायरेक्टली होटल पे जाता हूँ, बट उसके पहले, बैटरी ड्रेन होने के पहले थोड़ा कहाँ पे मिलते हैं अपन, और थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ अबाउट दिस प्लेसेस। सो ब्यूटी यार, हम्पी सीरियसली, हम्पी यू किलिंग मैन, यू हैव बंच ऑफ हिस्ट्री, बंच ऑफ हिस्ट्री। गाइज अगर आप विजिट करना चाहते हो हम्पी को, मस्ट विजिट, इट्स इन इंडिया ओनली, बाहर किधर नहीं है। इंडिया में आउट ऑफ इंडिया जाते हो एंड पेइंग सो मच ऑफ पेनीज, उससे बेटर है यू केम हियर, हार्डली कुछ फंड्स यू हैव टू स्पेंड। सो गाइज, जस्ट वॉन्ट टू सम अप द टोटल आज का जर्नी टेम्पल। सो लोटस टेम्पल में अपने को टिकट लेना पड़ता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 rupees कुछ उसका कॉस्ट है। तो वो बाद आप जाओगे टूवर्ड्स अपने को लोटस टेम्पल जाने के, तो वहाँ पे अपने को तीन प्लेसेस है विजिट करने के लिए। एक तो लोटस टेम्पल, लोटस महल इज़ देयर, उसके बाद एलिफेंटा पैलेस इज़ देयर एंड क्वींस बाथ इज़ देयर। क्वींस बाथ इंक्लूड नहीं है उसमें टिकट में, उसमें सौरभ चैरिट अपना इंक्लूड है, गोल्डन चैरिट जो अपना 50 rupees के नोट पे जो हम्पी का स्लोगन लगा हुआ है पिक्चर मॉन्यूमेंट के साथ, तो वो उसके अंदर इंक्लूड है। चीना देवी और त्रिमला देवी जो दो रानियां थी उनके लिए वो लोटस महल बांधा गया था। तो उसका जो शेप है काइंड ऑफ लोटस ओनली, और उसके पीछे एक वाटर पॉट है काइंड ऑफ, वो भी लोटस शेप का ही है। उसके बाद जो क्वींस बाथ है, क्वींस बाथ भी उनके लिए ही बेसिकली बांधा गया था इन 15th-14th century। तो वो भी एक यूनिक प्लेस है विजिट करने जैसा। पोस्ट दैट आई वेंट एलिफेंटा स्टैब, एलिफेंटा स्टैब में आप जो स्टे दिख रहा है आपको एलिफेंटा स्टैब का, वो सारा एलिफेंटा स्टैब में अगर आपने देखा होगा तो एलिफेंटा स्टैब में वहाँ पे एलिफेंट्स वहाँ पे स्टे किया करते थे, ऐसा कुछ वहाँ का सीनरी था। तो ओवरऑल वो वहाँ का था। उसके बाद आई वेंट फॉर थोड़ा लंच किया मैंने आउटसाइड, और उसके बाद आई केम टूवर्ड्स गोल्डन चैरिट। गोल्डन चैरिट में आपको एक मसला है कि गोल्डन चैरिट में आपको यू हैव टू, वहाँ पे गाड़ी आपका अलाउड नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट और पुलिस का ही गाड़ी अंदर अलाउड है। जो 1 kilometer मेन रोड से आपको अंदर जाने के लिए 1 kilometer का डिस्टेंस लगता है, तो इतने धूप में आप तो अवॉइड करोगे बाय वॉक चलना। तो बेटर टू टेक वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जो आपको ड्रॉप करती है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। इट कॉस्ट यू अराउंड 20 rupees, 10 rupees जाने के लिए, 10 rupees आने के लिए, सो दैट वॉज द गुड थिंग। बट देन वहाँ पे थोड़ा रश रहता है तो वेट करना पड़ता है। आई वेंट वॉकिंग टूवर्ड्स जब जाने के टाइम, तो थोड़ा बाद में फिर डिहाइड्रेट हो गया बॉडी, इसके लिए फिर मैंने बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं आया रिटर्न आते वक्त। तो काइंड ऑफ वहाँ का लोकेशन भी है। तो ऐसा ओवरऑल मैंने अभी सम अप कर दिया, अभी बजे है 5, अभी मुझे निकलना है यहाँ से। अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, रूम पे जाके स्टे करता हूँ रूम पे ही आज, और अपने को अर्ली मॉर्निंग कल 5 बजे या 4 बजे कल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। देखते हैं अभी कैसा वर्कआउट होता है कल का सिचुएशन, या अगर अभी बादामी के लिए निकलूँ तो फिर वैसा भी ऑप्शन है, बट ठीक है मैनेज होता है। बट देन अभी के लिए गाइस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बिकॉज मेरा चार्जिंग बहुत लो है एंड आई हैव टू चार्ज ऑल माई इक्विपमेंट्स ऑल्सो। सो गाइज आई हैव टू एंडेड दिस वीडियो यहाँ पे ही। सो लव यू ऑल, और वीडियो को ऐसे प्यार देना, और अभी अपन एपिसोड 4 में मिलते हैं। चिल देन गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।
सो गाइस अपन ने जो स्टे किया है इट्स इन शाइन कंफर्ट, ये हॉस्पिट में ही है। सो ऐसा कुछ होटल है, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे एक बेड जो सिंगल बेड, स्क्रीन का कुछ मतलब ही नहीं कि यहाँ के फ्री चैनल ही और सब लोकल लैंग्वेज है तो कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे एक सिंगल बेड था और दिस इज काइंड ऑफ वॉशरूम नॉर्मल। सो ऐसा कुछ है रूम, सो विच इज़ ओके। एंड आई टोल्ड यू ये मुझे दो दिन के लिए कुछ 800 रुपीज़ कॉस्ट गिरा था, सो दैट वॉज फेयर इन अपडील। सो अभी फटाफट मैंने डिनर के लिए जो ऑर्डर किया है, पहला डिनर आ जाए, डिनर एक बार करता हूँ, उसके बाद वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो एंड ऐसे ही प्यार देना वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, बिकॉज अपन इसके अलावा इसके बाद अपना सेकेंड वीडियो जैसे आने वाले हैं ये सेम ट्रेल में आएंगे एपिसोड्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल, बाय बाय।